आज हम जानेंगे दांतों में कीड़ा किस तरह से लगता है, यह कीड़ा किस तरीके से दिखाई देता है, यह कैसा होता है देखने में, और इसे किस तरह से दांतों से बाहर निकाला जा सकता है। पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो अंत तक देखते रहें। मैं डॉक्टर पुष्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं हेल्थ वचन। आइए सबसे पहले जानते हैं हमारे दांतों में ये कीड़ा कैसे लगता है। दोस्तों जब हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड या शुगर रिच फूड फ्रिक्वेंटली लेते हैं, कुछ लोगों को आदत होती है बार बार थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ ना कुछ खाते रहने की, तब यह पदार्थ जाकर हमारे दांतों की बाहरी सतह पर जमा हो जाते हैं और डेंटल प्लाक का निर्माण करते हैं। प्लाक एक पारदर्शी पीली सी झिल्ली होती है, जिसे दोस्तों सुबह उठने के बाद आपने अक्सर अपने दांतों के ऊपर महसूस किया होगा, जिसे ब्रश करके हम साफ कर सकते हैं। इसी प्लाक के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स कहते हैं। यह हमारे दांतों की बाहरी सतह को डीमिनरलाइज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से दांतों में कैरीज लग जाती हैं। यह कैरीज जब तक हमारे दांत की सबसे बाहरी सतह इनेमल और उसके नीचे की सतह डेंटिन तक रहती हैं, इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही हमारे दांत की भीतरी सतह में पहुंचती हैं, दांतों में ठंडा गर्म लगने के साथ तेज़ दर्द उठना शुरू हो जाता है। फिर अब इसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के ज़रिए ही ठीक किया जा सकता है। दांतों में हमारे कैरीज ना लगें, इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि दांतों को दोनों टाइम प्रॉपर ब्रशिंग करें, दांतों को स्वस्थ रखें और फ्रिक्वेंटली खाने की आदत को चेंज करें। चलिए बात करते हैं दांत का कीड़ा कैसा दिखता है। दोस्तों इसे खुली आंखों से बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप के जरिए कई हजार गुना बड़ा करके हम इसे देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह गोलाकार चेन के रूप में, गुच्छे के रूप में होता है। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि कान में दवा डाल के दांत से कीड़ा निकाला जाता है, या दांत में दवा डाल के कान से कीड़ा निकाला जाता है। मैंने कीड़े को देखा है, छोटे छोटे से होते हैं, पतले पतले से होते हैं। ऐसा दावा करने वाले लोगों से दूर रहें। जैसे ही आपको पता चले कि आपके दांत में कैरीज लगी हुई हैं, अपने फैमिली डेंटिस्ट के पास जाएं, वो दांतों से कैरीज को हटाकर यहाँ पर सीमेंट भर के आपके दांत को ठीक कर सकते हैं। ये कैरीज आप खुद भी पहचान सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा दांत की ऑक्लूजल सरफेस पे, जहाँ से दांत पे दांत मिलते हैं, वहाँ पर ऊपर काले रंग के धब्बे के रूप में। कभी आपने देखा होगा दांत की साइड वाली सतह पर भी काले काले से धब्बे हो जाते हैं। जब भी आपके दांतों में डेंटल कैरीज लगे, अपने फैमिली डेंटिस्ट के पास जाएं। उनके पास कई तरह के रेस्टोरेटिव मटेरियल्स होते हैं, कई तरह की डेंटल सीमेंट्स होती हैं। वह आपके दांतों के खराब पोर्शन को हटाकर वहाँ पर सीमेंट भर देंगे और आपका दांत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, एक दूसरी बड़ी बीमारी ज़रूर होती है कि जिसमें दांतों से बड़े बड़े कीड़े निकलते हैं, लेकिन वो भी बहुत रेयर केस में होता है, लाखों में एक। वो भी तब जब किसी ने सालों से ब्रश ना किया हो, उसके दांत पूरी तरह से ख़राब हो चुके हों, उस कंडीशन में ऐसा होता है। लेकिन जनरली ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके दांतों से कोई कीड़ा निकाल के आपको दिखा सके, क्योंकि ये बेहद ही छोटे होते हैं, बैक्टीरिया के रूप में होते हैं, जिन्हें खुली आंखों से देखना नामुमकिन है। तो ऐसे अंधविश्वासी लोगों से दूर रहें और अपने डेंटिस्ट पर भरोसा रखें। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।